हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूखी डाली उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित एकांकी है, जिसमें उन्होंने एक संयुक्त परिवार प्रणाली का चित्रण किया है। दादा जो इस परिवार के मुखिया हैं, परिवार को एक बरगद के पेड़ की तरह मानते हैं और जिसका हर सदस्य पेड़ की डाली के समान पेड़ का एक प्रमुख अंग है। उनके इस संगठित परिवार में छोटी बहू बेला के आने से जो हलचल होती है, उसे वो अपनी समझदारी और सहनशीलता से हल करते हैं। और कैसे हल करते हैं, वही लेखक ने इस एकांकी के जरिए दिखाया है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इसी सूखी डाली एकांकी की एकांकी कला की दृष्टि से विवेचना करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं एकांकी कला की दृष्टि से सूखी डाली एकांकी की विवेचना। सूखी डाली एकांकी इस आधार पर एक सफल एकांकी है क्योंकि इसमें एक ही महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण कार्य का प्रतिपादन किया गया है, वो है संयुक्त परिवार। तीन दृश्यों में यद्यपि एकांकी का कथानक विभाजित है, लेकिन जो ये तीन दृश्य हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, यानी कि संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं संकलनत्र, यानी कि इसके जो तीन दृश्य हैं उनके विषय में जानते हैं। पहले दृश्य में एकांकीकार ने बताया है कि बेला संयुक्त परिवार में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रही, उसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि वह सुशिक्षित है और प्रतिष्ठित परिवार से आई है और आधुनिक, उसका जो मायके का परिवार है वो आधुनिक परिवार है, इसलिए वह अपने कक्ष को भी आधुनिक साज सज्जा में ही ढालना चाहती है और उसकी इस अभिरुचि का संयुक्त परिवार की जो स्त्रियां हैं वो मजाक उड़ाती हैं और उसके फलस्वरूप वो अपने पति परेश से परिवार से अलग होने के लिए कहती है। अब ये हो गया पहला दृश्य। दूसरे दृश्य में दिखाते हैं कि परेश दादा मूल राज से अपने, जो उसका पति है परेश, वो अपने दादा मूल राज से अलग होने की अनुमति मांगता है। अब जो दादा परेश है वो तो संयुक्त परिवार से किसी को भी अलग होने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन वो इसी परिवार में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं जिससे बहू अलग ही ना हो पाए। अब इसके बाद आता है वो दूसरे दृश्य में वो परिस्थितियाँ वगैरह है, और तीसरे दृश्य में बेला को अलग होने से रोकने के लिए जिन स्थितियों को पैदा किया जाता है वही स्थितियाँ अब बेला को कचोटने लग जाती है और इन स्थितियों में वह परेश से अलग होने के लिए नहीं कहती, लेकिन कहती है कि तुम मुझे मेरे मायके भेज दो। जब परिवार की अन्य स्त्रियों से ये, उसे जब पता चलता है कि जो उसको ये आदर सम्मान दिया जा रहा है उससे लोग अधिक बातें नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ उस पर उससे परिवार का कोई काम भी नहीं कराया जा रहा घर का, उसके पीछे दादाजी का आदेश है क्योंकि वे किसी भी डाली को पेड़ से जुदा नहीं होने देना चाहते। ऐसी बातें जानकर उसे एहसास होता है कि वह, और वो कहती है कि मैं अपने लिए आदर नहीं चाहती बल्कि मैं तो सबके साथ मिलकर अपने घर का काम करना चाहती हूँ। और फिर वो बकायदा दादाजी के मैले कपड़े धोने के लिए इंदु के साथ चली भी जाती है। इसी तरह इस तरह हमने देखा दोस्तों, सूखी डाली में एक ही कार्य है और वह एक स्थल पर अर्थात एक ही इमारत में घटित होता है, बल्कि हम कहें कि वो एक ही बरामदे के आसपास इस एकांकी का कथानक घटता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कथानक में कार्य अवधि अलग जरूर है पर इस अवधि का संयोजन इस तरह से है कि समय का अंतर जो है वो हमें देखने वालों को खलता नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सूखी डाली एकांकी संकलन त्रय की दृष्टि से एक पूर्णतः सफल एकांकी है। दूसरा है संघर्ष। दोस्तों, इस एकांकी में नई पीढ़ी का पुरानी पीढ़ी के साथ जो संघर्ष है, जो हमेशा से पीढ़ियों से होता आ रहा है, वो बरकरार है। जो आधुनिक पीढ़ी है वो संयुक्त परिवार में अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रही और उसे पुरानी पीढ़ी दक्यानुसी ख्यालों की लगती है।
और परेश दादा के समक्ष यही कहता है कि उसकी बीवी यानी कि बेला को इस परिवार में कोई पसंद नहीं करता, सब उसकी निंदा करते हैं। और अभी मेरे पास माँ, बड़ी ताई मंजली, ताई मंजली भाभी, इंदु, रजवा सब आई थी और सभी उसकी पत्नी की उससे शिकायत कर रही थी, ताने दे रही थी कि तू उसके हाथ बिक गया है। ये सब बातें परेश अपने दादाजी को बता रहा है। तू उसे, उसकी ताई वगैरह उससे कहती हैं कि तू उसे कुछ समझाता नहीं है। इधर वह सबसे दुखी है और उसकी पत्नी भी अब उस दुखी होकर उसे कहती है कि सब मेरा अपमान करते हैं, सब मेरी हंसी उड़ाते हैं, मेरा समय नष्ट करते हैं। और उसकी पत्नी बेला यह भी कहती है कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं परायों में आ गई हूँ, अपना एक भी मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। अब आप मेरी माने तो बात यह है कि आज़ादी चाहती है, दूसरों का हस्तक्षेप, दूसरों की आलोचना उसे पसंद नहीं है, इसलिए वह अपनी पृथक गृहस्थी बसाना चाहती है। ये सब बातें परेश दादाजी को बता रहा है। इस संघर्ष को दादाजी जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा देते हैं। एकांकी में एक संघर्ष घर की पुरानी और नई पीढ़ी में वर्चस्व के लिए दिखाई देता है। और बेला के आने पर अब क्या होता है, जब बेला इस परिवार में आ गई है तो इंदु का जो वर्चस्व है, वो जो इतने सालों से उसकी परिवार में चल रही थी, वो ऐसा उसे लगता है कि वो उठ रहा है, इसलिए उसे भी ज़्यादा क्रोध आता है। और बाकी जो घर, अन्य घर की स्त्रियां, वो तो इंदु को बेला के मुकाबले सही समझती हैं क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी समय से है। और यही संघर्ष रजवा में दिखाई देता है, जिसके बरसों के जारी रहे काम को छोटी बहू द्वारा बिसराया जाता है। यानी कि हम दोस्तों कह सकते हैं कि एकांकी कारणी इस एकांकी में संघर्ष को भलीभांति प्रतिष्ठापित किया है। इससे छात्रों के चारित्रिक विकास को भी विशेष सफलता मिली है। यानी कि संघर्ष की दृष्टि से देखा जाए तो ये एकांकी सफल एकांकी है। भाषा शैली जानते हैं दोस्तों, सूखी डाली एकांकी की भाषा में सरलता व सरसता है, संवादों में उर्दू शब्दों की भरमार है और जरूरत पड़ने पर वे मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं। जहाँ वे भावुकता का आश्रय देते हैं वहाँ हमें काव्यात्मकता दिखाई देती है। अब एक दादा का संवाद है, वो अवलोकनीय है। बेटा, दादा कह रहे हैं, बेटा यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम इसकी डालियां हैं, डालियों से ही पेड़ हैं और डालियां छोटी हों चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कोई इससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया किसी ने छोटी बहू का निरादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो इस घर से मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। और भावावेश में जो लेखक की भाषा में कोमलता आ जाती है, वह किस तरह से आती है वो इस समाज में देखिए। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप यह चाहेंगे कि पेड़ से लगी लगी वह डाल सूख कर मुरझा जाए। अश्क जी ने इस एकांकी में हर तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इसलिए हम कह सकते हैं इन उदाहरणों के आधार पर कि ये एकांकी भाषा शैली की दृष्टि से सफलतम एकांकी है। अब जानते हैं रंगमंचीय एकांकी, यानी कि रंगमंच पर इसके प्रदर्शन के विषय में। यह एक रंगमंचीय एकांकी है। इसमें एकांकीकार ने कथानक को न केवल 3 दृश्यों में विभाजित किया है अपितु प्रत्येक दृश्य में पर्याप्त रंग संकेत भी दिए हैं। इस एकांकी में दृश्य विधान की विशेषता यह है कि पात्रों की स्थिति का विचित्रण लेखक ने बड़े ही सफल तरीके से किया है। साथ ही साथ जो देशकाल और वातावरण है उसका भी दृश्य विधान में संकेत दिया गया है। दादा के संबंध में एकांकी का प्रथम दृष्टि में टिप्पणी करते हैं, उनके विषय में बताते हैं कि वो कैसे देखने में हैं। उनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और वो अपने उनके माथे पर जो उम्र के हिसाब से रेखाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं। उनकी आयु 72 वर्ष की है, मतलब वो 72 सर्दियां गर्मियां देख लिए हैं उनका, लेकिन अभी तक शरीर झुका नहीं है। उनकी सफ़ेद वट की लंबी लंबी दाढ़ियों की भांति उनकी नाभि को छूती हुई मानो धरती को छूने का निश्चय रखे हुए उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी है। इस दृश्य संकेत में एकांकीकार दादा की पारिवारिक स्थिति का भी विश्लेषण कर देते हैं। साथ ही साथ एकांकी के जो संवाद हैं वो छोटे और चुस्त भी हैं और लंबे भी हैं। जहाँ जैसी जरूरत है लेखक ने वैसे ही संवादों का प्रयोग किया है, लेकिन जो लंबे संवाद है एकांकी में वो अखड़ते नहीं है क्योंकि उनमें गतिशीलता और कार्यशीलता पर्याप्त रंग संकेत देते हैं। जैसे इंदु
छोटी भाभी बेला की उस प्रसंग को बड़ी बहू को बताती है जिसके तहत उसने रजवा मिश्रानी को हटा दिया। रजवा उनके घर की नौकरानी है। तो बड़ी बहू की मानसिक स्थिति पर एकांकी काफी रंग संकेत देता है। बड़ी बहू कैसे बोलती है कि चकित विस्मित मात्र सुनती है। इसी तरह मंजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है, जैसे रंग संकेत इस एकांकी में देखने को मिलते हैं। और जो कथानक है उसमें सर्वत्र जिज्ञासा एवं उत्सुकता विद्यमान रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एकांकी रंग मंच की दृष्टि में से सफल एकांकी है। अब चलिए दोस्तों इसके उद्देश्य के विषय में जानते हैं। इस एकांकी में एकांकिका संयुक्त परिवार के महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है। लेखक के विचार में भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के बीच भी एकता की ऐसी डोर रहती है जिसके सहारे पूरे परिवार का संचालन होता है, जिससे सारा परिवार एक सूत्र में बंधा रहता है और परिवार का विघटन नहीं होता। परंतु परिवार की इस डोर का सिरा परिवार के ही किसी कुशल व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। जैसे एकांकी के दादा मूलरा जो पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांध कर रखते हैं। दोस्तों हर संयुक्त परिवार के आजकल संयुक्त परिवार कम ही देखने को मिलते हैं। पहले ज़्यादातर लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते थे, लेकिन संयुक्त परिवार वही एक खुशहाल परिवार होता था जिसमें एक ही परिवार का मुखिया पूरे परिवार को बांध कर रखता था। साथ ही साथ उस मुखिया को परिवार के हर सदस्य की हर आवश्यकता हर जरूरत पर ध्यान देना होता था कि किस प्रकार हर सदस्य को वो खुश रख सके। जो ये एकांकी है सूखी डाली, इसमें जो दादा मूलराज हैं वो ऐसे ही व्यक्ति हैं, वो बड़ी कुशलता से अपने परिवार का संचालन करते हैं और प्रत्येक सदस्य का ध्यान रखते हुए चलते हैं। तो यह स्पष्ट है कि आधुनिक युग में नई पीढ़ी भले ही इसे तानाशाही कहे और इस तानाशाही को हे दृष्टि से देखे, यानी कि संयुक्त परिवार को वो पसंद ना करे, पर किसी भी परिवार की व्यवस्था का सही ढंग यही है जैसे दादा मूलराज ने संयुक्त परिवार को चलाने के लिए एकांकी में रखा है। इसमें पुरानी और नई पीढ़ी के संघर्ष के माध्यम से समष्टिगत मूल्यों की प्रतिष्ठा भी लेखक ने की है। तो दोस्तों ये हमने एकांकी कला की दृष्टि से सूखी डाली एकांकी की विवेचना की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।